जो स्टेट एम्पायर हैं, मतलब ग्रीक एम्पायर कैसे राइज में गया, इजिप्शियन एम्पायर, पर्शियन, इंडियन, चाइनीज, और थियरी ऑफ डिवाइन राइट्स। डिवाइन राइट्स क्या है कि मोर और लेस ये थियरी किस चीज की तरफ इशारा करती है रियासत के अंदर कि किंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, हेंस व्हेन गॉड कैन डू नो रॉन्ग, जब बादशाह कोई गलती नहीं कर सकता, व्हेन गॉड कैन डू नो रॉन्ग, hence king will also. बादशाह भी गलती नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है, वो खुदा का नुमाइंदा है. God is a representative, king is a representative to God. So God Choosed king and masses should obey him. God ने king को choose किया, राजा उसे obey करना चाहिए. There should be no disobey from the masses. ये इस थीरी को हम लोग divine rights थीरी के तौर पर देखते हैं, और जिसकी वजह से उनके पास right है, हर right मौजूद है कि वो अपनी राय के साथ जितनी सख्ती करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है. हिस्ट्री फिर हमें ये भी बताती है कि स्टेट और एम्पायर की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स किस तरह से होती है, यानी कि कब हुई, किस तरह से होती हैं, ये हमें हिस्ट्री से नहीं पता चलेगा. यानी ग्रीक, इजिप्शियन, पर्शियन, इंडियन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इनके हवाले से हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है. फिर इसी तरह के साथ राइज एंड फॉल ऑफ एम्परर्स, कौन सा बादशाह कब डिक्लाइन का शिकार हुआ, कब उसने फेस किया डिक्लाइन, ये सब कुछ हमें हिस्ट्री से पता चलेगा. बड़े बड़े शहंशाह, हमराही, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट, जी हुनानची, और एब्सोल्यूटिज्म. एब्सोल्यूटिज्म मोर और लेस, बादशाह के पास आपके साथ डील करने का हर हक है, वो आपके साथ जैसे वो चाहे वो डील करे. कोई भी उस डील के खिलाफ नहीं जा सकता. कोई भी उसको उसको बगावत नहीं कर सकता. फिर नेशनल रेवोल्यूशंस, इनकलाबात कैसे आते हैं,
कब आए, लोग कब अपने हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़े हुए, ये सब कुछ भी हमें हिस्ट्री से पता चलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, इंडियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, एशियन रेवोल्यूशन, लेटर अमेरिकन रेवोल्यूशन, फिर ट्रांजिशनल पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस, किस तरह से ट्रांजिशंस होती हैं, कैसे जो लोग हैं वो एक फेज से दूसरे फेज के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं। किस तरह से पहले स्लेव सोसाइटी थी और स्लेव सोसाइटी किसमें कन्वर्ट होती है, फ्यूडल सोसाइटी सिस्टम में, फिर मर्केंटलिज्म आ जाता है, मर्केंटलिज्म दावत देता है कॉलोनियलिज्म को। असल में ये वो एक्चुअल थी जिसने दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा करने पर मजबूर किया, और इंपीरियलिज्म कि आप बाय फोर्स, फिर कॉलोनी तो है कि आप वहां पर जाके आबाद हो जाए, रूल करना शुरू कर दें, दूसरा यह कि फिर पावर के जोर पर, अपनी फौज के जोर पर उनको दबा के रखें, दैट इज व्हाट वी कॉल इंपीरियलिज्म। फिर इसी तर्ज के साथ हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि लोगों के अंदर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग कब शुरू हुई, लोग कब सॉवरन हुए, नए पॉलिटिकल आइडियल्स ने लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया कि वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर बना सकें, इंडिपेंडेंट बना सकें, इंडिपेंडेंस की तरफ, इंटेग्रिटी। तो ये वो सारे पैरामीटर्स थे कि जहां पर ये सारा सिस्टम जो था वो मतलब हमें हिस्ट्री से ही इन सब का पता चलता। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन स्टेट और गवर्नमेंट के कब, जो अफ्रीकन कॉलोनीज थी, अमेरिकन ने किस तरह से, और एशिया के अंदर इन्होंने कब यूरोपियन ताकतों के खिलाफ बगावत का आगाज किया। और किस तरह से सॉवरन हुकूमतें कायम हुई, तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दुनिया में कैसे सामने आता है, या कब सामने आया, ये वो मोर और लेस डोमेन्स हैं जिनके ऊपर हिस्ट्री बहस करती है, जिनके ऊपर हिस्ट्री बात करती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रांजिशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रांजिशन के हवाले से इंफॉर्मेशन देती है। फिर जो इकोनॉमिक सिस्टम डीरेल है उसकी वजूहात क्या है, सोशल जो इक्वलिटी और अथॉरिटेटिव रूल है वो किस तरह से होता है। सारी सी बात है, जो कम्युनिस्ट स्टेट है इसकी बड़ी मिसाल हमारे सामने चाइनीज गवर्नमेंट की है कि चाइनीज गवर्नमेंट इज बेसिकली अ कम्युनिस्ट स्टेट। अब वो जो कम्युनिस्ट स्टेट है वो क्या करती है भाई, वो किस तरह से एक अथॉरिटेटिव हुकूमत है। आप चाइना के अंदर तवक्को नहीं कर सकते कि आप रियासत के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात करें, रियासती अथॉरिटी के खिलाफ कोई बात करें, अदरवाइज आपको इसके कंसीक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। एब्सोल्यूटिज्म है चाइना में, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, फिर वहां सोशलिज्म मौजूद है,
कि जनाब वहां पर कुछ भी किसी का नहीं है, सब कुछ रियासत ओन करती है और रियासत के पास ये राइट है कि वो आपको किस तरह से वो चलाए, सॉरी रियासत के पास ये राइट है। आपकी लिविंग जरूरियात सिर्फ रियासत पूरी करेगी और फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी जी आपको आज जितनी भी वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पर ये सारी फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो हमें नजर आती है। जितनी भी आज डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन स्टेट्स हैं जहां पर भी हमें फ्री इकोनॉमी जो है वो नजर आती है। सो हम जब भी बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डिटेल्स देती है बट कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता कि किन कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर ये सब कुछ हुआ। इट इज नेवर टोल्ड बाय हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस के अंदर नो डाउट अगर तो हम बात करें फैक्ट्स एंड फिगर्स की तो हिस्ट्री का रोल किसी भी शक्ल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम हिस्ट्री के किरदार को हम लोग मतलब जो है वो डिस्कार्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये तवक्को करें कि हमें ये कॉज एंड इफेक्ट के साथ इन तमाम चीजों को बतलाने की कोशिश करेगी तो हिस्ट्री ये भी नहीं करेगी। हिस्ट्री मतलब थ्योरेटिकली चीजें जो हैं वो हमें समझा पाएगी, हिस्ट्री ऐसा नहीं कर सकती। ये एक बात है शुक्र।